हिलना मत। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जीना है तो चुप रहो। देखो दोस्तों, ये सब तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। तुमसे दरख्वास्त है मेरी, यहाँ पर किसी को भी नुकसान मत पहुँचाना। अब तो मेरी भाषा बोल रहे हो, अब तो इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। हमें बताओ वो सारे पैसे कहाँ पर रखे हैं? संभल के, आराम से, आराम से चलते रहो, चलते रहो। तीस सालों की सेवा देने के रूप में तुम्हें बस इतना ही मिला? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हम पे दया करो हम पे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते रहो, जल्दी चलो चलो। धत तेरे की, हमारे यहाँ कितने अपराध हुए हैं? 3, इसको मिला करके महाराज। और ये सब कुछ बेंजी ओपरा ने किया है। वो जहां भी नाटक करने जाते हैं वहां के लोगों को लूट लेते हैं महाराज। सुनिए ली, आपने कितना पैसा खोया है? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मैं एक नेक व्यक्ति हूँ। महाराज के प्रति मैं ईमानदार हूँ। लोगों के प्रति मेरा व्यवहार अच्छा है। मुझ गरीब को कोई क्या ही लूट सकता है। सेनापति जी। महाराज, उनके पहले अपराध को 1 महीना हो गया है। वो कहाँ है? वो लूटने के लिए ली के पास भी गए थे। मेरा मतलब उन्हें मार दो। महाराज नाराज मत होइए, मेरे सभी के सभी लोग कोशिश कर रहे हैं महाराज, लेकिन संख्या बल बहुत कम है। चुप करो, तुम अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। पहरेदार जी महाराज, सेनापति जाओ को 20 कोड़े लगाओ, ये इसकी सजा है। महाराज महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए। अरे देखो जैन भाई, अपराधी कह रहे हो, काउंटी एजेंट चुनने वाली है। हाँ सही कहा तुमने, सही कहा। अरे ये नकेले डाकुड़े लगाएगी, इसने तो तरह तरह का अपराध किया होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं सच में बहुत परेशानी में हूँ। मुझे यहाँ पर आए हुए आधे साल से भी कम समय हुआ है। मैं चोर साई यानवई को भी नहीं पकड़ पाया और अब मुझे इससे निपटना होगा। ये खूनी बदमाश कब पकड़ में आएगा हमारी? मेरे महाराज आराम से, अब जो हो गया वो हो गया। हम घूसे से इसे गोल गोल घुमा देते हैं। घूसे से? ये कहना आसान है केवल। अगर मैं किसी दूसरे प्रांत से मदद मांगू तो कैसा रहेगा? रहने दो, लंबे बालों वाले दक्षिण में दंगे कर रहे हैं। हम नसीब वाले हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं। लेकिन डकैतों के कबूलनामे के मुताबिक कम से कम ऐसे दर्जनों लुटेरे हैं। लगभग 5 नेता हैं, असाधारण कौशल्य वाले हैं। हमारे पास भी ऐसे दर्जनों सैनिक हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कोई काम के नहीं है। या तो वो चोर पकड़ सकते या कर वसूल कर सकते हैं। उन्हें एक बार शक्तिशाली डकैतों का सामना करना पड़ा था, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाए उसके सामने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसलिए मैंने भर्ती के लिए इश्तेहार दिया है, लेकिन कुछ ही दिन हुए हैं, सबके सब कायर कैसे हो गए? मुझे लगता है ये ही भी है। वो हमेशा से यहाँ पर मशहूर है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन लोगों को दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, पगार दुगनी, और मुझे लगता है कि ये काफी आकर्षक है। कितने प्रतिभाशाली है महाराज। दियान्यून, आप कांस्टेबल क्यों नहीं बन जाते? कांस्टेबल बन जाऊंगा तो शायद कैंग लाओबा को ढूंढ पाऊं। हम उसे ही ढूंढने तो इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। वो इन बागियों का नेता हो सकता है। हम कई दिनों से घूम रहे हैं, आराम के लिए जगह ढूंढते हैं। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं जाकर के कुछ पूछताछ करता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। Thank you.
अपना ख्याल रख रही है लड़की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। कोई बात नहीं, लीजिए। ये आपके लिए। ठीक है। रुक जाओ, ये सिर्फ भिखारियों के लिए है। इस दया के लिए शुक्रिया, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। काश। अरे क्या कर रहे हो? शुक्रिया। बहुत हो गया, चलो चलो चलो। ए, रुको। शुक्रिया, चलो। बहुत बढ़िया, क्या मारा है यार, मजा आ जाएगा। क्या लड़ाई लड़ रहे हो तुम? अरे वाह, क्या तरीका है, इसकी तो कमाल करके आ गया देख कर कलावाजी। बहुत अच्छे, क्या मारा है यार, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत दिन से कुछ मजे नहीं किए हमने, चलो कुछ मजे करके आते हैं। हम कैंग लाओबा को ढूंढने का काम कर रहे हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो हड़बड़ाओ मत। ए, रुक जाओ। तुमने इन्हें नमस्ते क्यों नहीं किया? हम नए हैं, पता नहीं आप कौन हैं, हमें माफ कीजिएगा। मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? ओ, क्या आपको पैसे चाहिए? थप्पड़ मारो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? छोड़ना मत इसे, इसे थप्पड़ मारो। हम यहाँ नए हैं, यहाँ के तरीके नहीं पता, माफ कीजिएगा हमें। तरीके नहीं पता? अगर तरीके नहीं पता तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों से गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिएगा। ये लीजिए आप, ये आपके लिए है। काफी समझदार रखते हो तुम, जाओ जाके कुछ पी लेना। हाँ चलिए। मेरी बेटी हमेशा यहीं रही है और पति की मौत हो गई है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हम पास तो हो सकते हैं लेकिन ये बहुत कठिन है, हम किस लिए जीते हैं? हाँ, गरीबी में जीने के लिए क्या? नहीं ना, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर कियान शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में एक है, उनके पास हजारों एकड़ की जमीन है, जेड कैबेज उन्हें विरासत में मिला था, पूरे शेंजू काउंटी में वो सबसे अमीर है। अगर किंग कियान उससे शादी कर लेती है तो वो महारानी की तरह रहेगी। अच्छा सुनिए, जरा मुझे ये बताइए, ये जोड़ी बनाने वाला कौन है? अभी अभी आपने उसके बारे में बात की थी ना, तो क्या सब कुछ तय है? लेकिन मुझे कुछ कहना है, मिस्टर कियान काफी बुढ़े हो गए हैं, मुझे लगता है वो मेरे पिताजी के उम्र के हैं। अगर किंग कियान उससे शादी करती है तो वो उनकी पांचवी उपपत्नी होगी ना, अगर उसकी पिता को पता चला तो अपनी कब्र से बाहर निकल आएंगे और मुझे समझाने लगेंगे। क्यों ना मेरे बारे में उनसे बात करो, मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या बकवास है,
हाँ, चलो। बढ़िया ही शादी करने वाली, जरा खुद को देखो, गरीब कहीं की अमीर बनना चाहती है। ये तो तुमने ठीक कहा, बिल्कुल सही। जल्दी करो, चलो। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? सेनापति जाओ ने सारे डकैतों का पता लगा लिया है। आगे बढ़ो। जी। हेलो मार्ट, ठीक से खड़े रहो। महाराज, मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या तुम होंग जुंग चैंग से मिले हो? कौन है ये होंग जुंग चैंग? वो बागियों का मुखिया है जिसने शेंगजुंग को लूटा है। अगर तुम कैसे नहीं जानते? मैंने इन डकैतों के बारे में सुना है, लेकिन असलियत में मैं कुछ नहीं जानता। सच बोल रहे हो क्या? जी महाराज। लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ लोगों ने उस बागी को देखा है, वो भी तुम्हारी दुकान में। अरे बापरे, ये तो मेरे साथियों की साजिश है मुझे बदनाम करने की। मेरे महाराज सुनिए, आपके होते हुए डकैत वो भी हमारे शहर में घुसने की कोशिश कैसे करेंगे? महाराज, आपने इस पर बहुत मेहनत की है, मेरे सम्मान के प्रतीक में ये मैंने आपके लिए दिया है। अभी आप अंदर जाइए, खाने पीने की चीजें तैयार है, जाइए अंदर। ठीक है, आजा जी भाई, आ जाओ, कुछ पी लेते हैं। चलो, पीने चलते हैं। हाँ चलिए चलिए, चलते हैं। हाँ बहुत भूख लगी है। वो यहाँ पर नहीं है, चलो वहां ढूंढते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम पड़ोस में जांच करने जा रहे हैं, वो भी यहाँ हो सकते हैं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि डाकू हैं? चलो पीने चलते हैं। ये इंसान अपने निजी फायदे के लिए सब कर रहा है, ऐसे तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। इतने सालों से हम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि टीचर का बदला ले सके, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे सोचा है? नहीं सोचा अब तक। हमारे गुरुजी के मरने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे इरादे कामयाब हो जाएंगे। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जोड़ी खुद ढूंढ सकूँ, हमें सुधारने के लिए। तुम अभी भी नए हो, मैंने समय के साथ बहुत कुछ देखा है। समय इंसान के साथ हो तो युंगशंग जैसा आदमी भी राजा बन सकता है, भले ही क्यों ना वो शुरू में भिखारी हो, और हम में तो बहुत काबिलियत है। तुम्हें नहीं लगता कि हम बड़ी चीजें कर सकते हैं? मैंने फिलहाल इतना सोचा नहीं है, मेरा पूरा ध्यान बदले लेने की इच्छा पर है। वही, मुझे बचाओ, यहाँ चोर आया है, देखो पकड़ो इसे। जल्दी जल्दी खोलो। कौन है? शाही सिपाही है, दरवाजा खोलो। कौन हो आप लोग, क्या कर रहे हो? हैं? तुम हो क्या? संयोग है तुम यहाँ पर। अच्छा तो आप कांस्टेबल हो जो बिना बात के रूड होते हैं। मजाक बंद करो, हम एक चोर का पता लगा रहे हैं, वो इधर ही भागा है इसलिए हम यहाँ पर हैं। क्या चोर? हाँ। लेकिन मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी। आधी रात को लोग यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ चोरी करने लायक कुछ नहीं है, तो चोर आकर क्या करेगा? क्या कपड़े चुराएगा? तो क्या आप कपड़े बनाती हैं? हमें इस जगह की तलाशी लेनी होगी, हो सकता है हमें कुछ सबूत मिल सके। क्या आपको कोई सुराग मिला? सरकार उसे बहुत दिन से ढूंढ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ही कस्टमर्स नहीं होते हैं। हमारे अलावा ओपेरा ग्रुप भी है,
मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कुछ मिलेगा। माफ कीजिए। रुकिए, मुझे एक बात याद आ गई। करीब 2 महीने पहले 2 लोग यहाँ अपने पसंद के पोशाक लेने आए थे, लेकिन उन दोनों में से एक बार बार बाहर देख रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ खास ध्यान दिया। और कुछ दिन पहले मैंने उन्हें शहर के फाटक पर देखा था। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो लकड़ियाँ बेचने वाले हों। आपने उनकी कुछ बातें सुनी थी? जब वो यहाँ आए थे तब मैं अंदर के कमरे में थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। एक आदमी ने कहा, उस बूढ़े आदमी को मरने के लिए अकेला छोड़ दो बिंकाओ गांव में। हमें बिंकाओ गांव चल के छानबीन करनी होगी। शहर के फाटक से करीब 9 मील दूर। शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी। चलो चल। चलो चल। यह आखिरी वाला है। उसने कहा कि मुझे जाने दो, तो तू यहां क्या कर रहा है? क्या आपको याद है अपने मार्शल आर्ट्स के गुरु को कैसे मारा था? तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं था। जिसे तुमने बात की वो हांगजेंग था? हर शताब्दी अपने लिए मसीहा पैदा करता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। उसने मेरा पैर तोड़ दिया कुछ महीने पहले, जबकि मैं पूरी तरह से नशे में था। मैं पहले से ही नरक में जी रहा हूं। मार दो मुझे। वैसे भी तुमने उसे मार डाला। मैंने ये टीचर की मौत के बदले के लिए नहीं, बल्कि जो हम पे बीती है उसके लिए किया है। अब हमें पता चल गया है कि बागियों का नेता कहाँ है, तो चलो उन्हें पकड़ते हैं। हो सकता है उन्हें पकड़ने का श्रेय हम लोगों को मिल जाए। चलो चलें, देखते हैं चल के।
यही रुकना और ध्यान रखना, मैं मदद लेके आता हूँ। ठीक है। महाराज, उन्हें ढूंढ लिया? मुबारक हो महाराज, हमने उनको ढूंढ लिया है। अच्छा, अच्छा काम किया। क्या नाम बताया तुमने? जिहुडियानियान। हुडियानियान, आपको इनाम दिया जाएगा अगर डकैतों को मार दिया जाता है। शुक्रिया। जा सकते हो। जी। सुनो। जी। सेनापति जाओ और उन कमीनों को यहाँ पर बुलाओ। जाओ, जल्दी करो, जाओ, उनको अपने साथ लेकर जाओ। जरूर। जाओ। चलो। जल्दी चलो। मेरे पीछे कोई काम किया तो जान से मार दूंगा मैं। यही है? हाँ यही है। चलो चलो। तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ, पकड़ लो इन्हें। मेरे भाई, चांदी के बारे में पता है? कभी देखा है? तुम मुझे जाने दो और ये सब तुम्हारा, क्या कहते हो? अगर तुम मुझे सोने का पहाड़ भी दे दो तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या तुम खुद के लिए नहीं जीते? अपने लिए जीना सीखो। मेरे पास सोने का पहाड़ नहीं है लेकिन सोने के गहने हैं, तुम इस पर सोच सकते हो। वाशम ज्ञान। मैंने तुम्हें आखिर पकड़ ही लिया, तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, पर बात कर दूंगा तुम्हें जब तुम्हारी पेशी कोर्ट में होगी। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं बर्बाद होने वाला हूँ। अच्छा। महाराज, होंग शोंग जैंग के सभी पांचों अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन सेनापति जाओ। हाँ? अरे हाँ, वो कहाँ पर है? उनको लड़ाई में धोखे से मार दिया गया जब वो बड़ी बहादुरी से इन बागियों को पकड़ रहे थे। क्या, वो मर गया? जी। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? महाराज, इसे दिल पे मत ले लीजिए, ऐसा सोचते कि किस्मत ने उन्हें साथ नहीं दिया। ठीक है, शायद ये होना ही था।
सलाहकार जी, जाओ के परिवार को खाना और पैसे की व्यवस्था की जाए। जरूर। आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, इसीलिए हम आपकी हमेशा सेवा करेंगे महाराज। हाँ, क्या ये चांदी है जो तुमने जब्त की है? जी हाँ। क्या तुमने इनकी गिनती की है? जी नहीं, अभी नहीं करवाई, आप स्वयं करवा लीजिए। हाँ ठीक है, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। धन्यवाद। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया, उन गुंडों को मारकर मजा ही आ गया। सरकार उन्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन आप लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत अच्छे। आप कौन सा मार्शल आर्ट करते हैं? फीस्ट। फीस्ट? हाँ। ये क्या होता है? क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं कब आऊँ? तुम्हारे गुरु कौन है? लीज हिरान, मास्टर ऑफ फॉर्म इंटेंशन फीस्ट। और अब वो कैसे हैं? वो तो पहले से ही। मिस्टर ली, प्रैक्टिस खत्म हो गई। धारा के विरुद्ध नाव चलाते वक्त जब उन्हें चलाओगे तो वहीं आ जाओगे। इन मूव्स को सिर्फ लटो मत, बल्कि इनको महसूस करो। लंबे समय से नहीं देखा तुम्हें। तुम जरो अंदर चले जाओ। चलो अंदर चलो। ये किसे पता था कि फॉर्म इंटेंशन फिस्ट के गुरुजी ऐसी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुमने 20 साल पहले मेरे भाई को मार डाला था, आपको याद है ना? कहीं भूल तो नहीं गए? तांगलांगबा, तुम एक बहुत ही घिनौने अपराधी हो। अफसोस है मुझे कि उस वक्त तुम्हें नहीं मारा मैंने। मार दो। जॉनसन, डिनियन, ध्यान से देखो, क्योंकि ये फॉर्म इंटेंशन फिर सीखने का सही मौका है। मिस्टर ली, मिस्टर ली। चले जाओ, तुम्हें बड़ा होकर मेरी मौत का बदला लेना है। चलो चलते हैं। मिस्टर ली, उन दोनों बच्चों को भी पकड़ लो। और तब से
और ये सारा सोना महाराज ली का है। वो बूढ़ा आदमी, उसने इतने पैसे रखे थे। राजधानी के अधिकारी सच में बहुत दयालु हैं। सोना कहां पर है? होंग जोंग जेंग ने उसे छुपा के रखा है। अपने लोगों की रिहाई के बदले वो हम लोगों को ये सोना दे सकता है। 50 किलो सोना और वो 500 किलो चांदी, ये सौदा ठीक है। उसमें उतना ही खतरा है। इस मामले का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। विरोधी प्रांत केंद्र भी पहुंच रहे हैं और मैंने इस बड़ी जीत की सूचना पहले ही कर दी थी। अगर इसे ठीक से निपटा नहीं जाता है तो मैं खुद की जान ले लूंगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। होंग जेंग चेंग एक लालची इंसान है। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा पैसों की कीमत है। मुझे डर है कि वो झूठ बोल रहा है। हमें सोना देने के पहले वो अपने दोस्तों की रिहाई मांगेगा, लेकिन हम उसके दोस्तों को तब रिहा करेंगे जब वो सोने तक पहुंचाएगा। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम कहना क्या चाहते हो महाराज? देखिए, हमारी योजना ये है कि अगर वो हमसे कहता है कि पहले लोगों को छोड़ो और सोना दो। डाकू के खातिर सेनापति हु डियान ह्यान ने अच्छा काम किया। उन्होंने डकैतों के मुखिया को पकड़कर बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो आज से उन्हें मुख्य सेनापति का पद दिया जाता है। धन्यवाद महाराज। ए, हटो हटो हटो, यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो? सभी के सभी अपने सरों को ऊपर उठाओ। सबको उठा लो, चलो। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, पकड़ रहे हो। महाराज, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हमने सभी अपराधियों को पकड़ लिया है जिन्होंने 3 हत्याएं और चोरियां की हैं। सभी सबूत मौजूद हैं। आप निर्णय लीजिए महाराज। जो तुमने अपराध किया है क्या तुम कबूल करते हो? हत्या और लूट का? नहीं, वो सब मानते हैं। इन सब से बयान ले लो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मुख्य सेनापति हु ने हमें आदेश दिया है कि बिना उनसे पूछे कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो जो भी है उसे यहाँ भेजो, मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा जल्दी करना, रुको, इसे यहीं छोड़ दो। Thank you.
सच बताओ कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने तुम्हें गूंगा बनाया? चलो आ जाओ। चलो उठ जाओ, मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। यंशिन, इन अपराधियों को रिहा करना एक शाही अपराध माना जाएगा। मुझे बताओ होंग जोंग चैंग कहाँ है? होंग जोंग चैंग? ये सब होंग जोंग चैंग है। ये सभी लोग गरीब भिखारी हैं और आप लोगों ने इन्हें यहां बंदी बना दिया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? जरा देखो इस दुनिया को, क्या कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? या तो तुम दूसरों को अपने अधीन कर लो या खुद उनके अधीन हो जाओ तुम। अगर खुद में बदलाव नहीं किया तो हम भी एक दिन ऐसे ही होंगे, आज नहीं तो कल ये होना ही है। यंशुन, मैं तुम्हें कह रहा हूं इस मामले से बाहर रहो। और अगर मैं ना रहूं तो? तुम्हें लगता है कि मैं संभाल नहीं सकता? मुझे कोशिश करने दो फिर। यंशिन, मेरा वादा है आज नहीं तो कल, लेकिन हम अमीर जरूर होंगे। इससे बेहतर यही होगा कि मैं भिखारी की तरह ही जी लूं। फॉर्म इंटेंशन फिस्ट यू फी के द्वारा बनाई गई है। इसकी सारी कलाएं कतारबद्ध तरीके से हैं। आप इन कलाओं से सीख सकते हैं कि आपको कैसा बर्ताव करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि इससे क्या असर पड़ने वाला है, और कभी मत भूलिए कि आप असल में हैं कौन। हम वो याद रखेंगे। बढ़िया, कोशिश करते रहो। हाँ। मैंने सोचा नहीं था उन्हें इतनी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है।
वो रिफ्यूजीज वॉर में शहीद हो गए, हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे बहुत बुरा लगा। युद्ध के समय इंसान बनने से अच्छा है एक कुत्ता बने रहो। इस वक्त इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। वो डियान युआन अपनी जगह भूल गया, इसमें दूसरों की गलती नहीं। दिल की टुकड़ी करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता। महाराज, हो दैन्यों आ गए। उसे अंदर भेजो। जी। दिल के टुकड़े, तुम जा सकती हो। महाराज। कल के बारे में तुमने क्या सोचा है? सारा इंतजाम हो गया है, सब जानते हैं कि अपराधी बेंजिंग ओपरा के सदस्य हैं। कल उनका सर कलम करेंगे उन्हीं के कपड़ों में, और देखने वाले इस बात को जरूर मानने पर मजबूर होंगे। अच्छा, तो तुमने इसे शिकार बना ही लिया। ऐसे ही काम करते रहो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। धन्यवाद। तुम जा सकते हो। जी। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। कांस्टेबल जाओ ने कभी लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे तो ये बहुत अजीब बात लग रही है कि वो इस बार मारा गया। मैंने सुना है कि समीक्षा पूरी हो गई है, शरणार्थियों का सर काट दिया जाएगा। मॉम, क्या हम उनके हेल्प नहीं कर सकते हैं? क्या हम सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकते? हुदियान्युन बस एक हेड कांस्टेबल है, वो इस तरह का सच किसी से छुपा नहीं सकता, किसी से भी नहीं। हमारे ढोल पीटने पर भी कुछ नहीं बदलेगा। क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या हम उन्हें ऐसे ही मरते हुए देखते रहे? तुम क्या कहना चाहती हो? वो ये तो मुझे नहीं पता, शायद कोई हो जो उन्हें जेल से निकाल सकता है। हे, गु, आप, आपका फिर से आना हुआ। कृपया आप इससे बाहर रहो, या जितना आप संभाल सकते हैं उससे कहीं अधिक है। हमारे पास और चौकीदार हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। आप ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोल दो। अरे थोड़ा आराम से। ठीक है, ठीक है, मैं भी खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ। थोड़ा रुको, मैं बस खोल ही रहा हूँ। आराम से चलो, जाओ जाओ आराम से। आराम से क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, बढ़िया बढ़िया, पकड़ लो पकड़ लो। सही है, ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये वाला दांव तो मैं ही जीतूंगा, देखो। क्या बात है, अरे बंद करो। मैं कह रहा हूँ अपराधियों को रिहा कर दो, जल्दी करो। जाओ उन्हें छोड़ दो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। जल्दी जल्दी चलो। हुँ।
अगर मैं चाहूँ तो एक मिनट में तुम्हें मार गिरा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी वजह से बच नहीं सकता, मैं तुम सबको मार डालूंगा। हाँ गो, हम समझ गए। जरा सुनो तो, क्या आप कुछ भूल रहे हो? क्या अभी भी लोग हैं अंदर? नहीं, सबको छोड़ दिया है, लेकिन हम कैसे समझा सकते हैं? मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया। अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मारो मुझे। वो तुम्हारा पागल दोस्त, तुम्हें पता नहीं था? महाराज, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरे प्रयासों को दरकिनार कर दिया जाए अगर मैंने उसकी मदद की होगी तो। उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजो और उन अपराधियों को भी पकड़ो। महाराज, महाराज, गो युनशेन ने खुद को हमारे हवाले कर दिया। अच्छी बात है, उसे अंदर लेकर आओ। जी। महाराज, एक सेनापति के रूप में तुमने जानबूझकर कानून तोड़ा है और दोषी कैदियों को जेल से छुड़ाने का अपराध किया है। महाराज, मैंने उन्हें बचाया है क्योंकि वो लोग अपराधी नहीं थे, वो बस कुछ निर्दोष गरीब लोग थे। महाराज इस बात पर ध्यान दे। बकवास है, गवाहों से साबित हो गया है कि वो डाकू ही हैं और उन्होंने अपने बयान पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सिपाहियों, जी, इसे कैदी बना लो और कड़ी निगरानी रखो। महाराज मेरी बात सुनिए, महाराज इस मामले में ध्यान दीजिए, महाराज इस मामले में ध्यान दीजिए। महाराज तुम क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। जी। कोई काम के नहीं, आखिरकार हमने ठीक कर ही दिया, लेकिन नई समस्याएं अचानक सामने आ जाती हैं। अब ये सब गो युनशेन द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। काश मैंने उसे मार दिया होता। मुझे डर है कि हम उन लोगों को वापस नहीं ढूंढ पाएंगे। हम केवल साथ खेल सकते हैं और विरोधी प्रांत को इत्तला कर सकते हैं कि गो युनशेन ने जिसे छोड़ा वो होंग जोंगचेंग के आदमी थे। महाराज, हमें जल्द से जल्द हुआंग और बाकियों को ढूंढना होगा और उन्हें जान से मारकर इस मसले से बाहर आना होगा। महाराज, तभी हम सबके सामने सही साबित हो सकते हैं। हम सच को छुपाकर मामला बंद कर देंगे, उसके बाद हम गो युनशेन को जान से मार देंगे। इस पोशाक में से एक सेट दे दो और वो पोशाक में से हमें दो देना। भागो, 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 भागो। तुम डकैत हमेशा क्यों ओपेरा कलाकारों की तरह चिल्लाते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती। उनके वजह से हमने बहुत सारा कारोबार खो दिया है। उन शरणार्थियों के लिए ये बहुत कठिन था। वो दक्षिण की तरफ से भाग गए। वो यहाँ शांति से भीख भी नहीं मांग सकते थे। मैंने सुना है कि उन शरणार्थियों को जानबूझ के फंसाया गया इसमें, उन डकैतों के अपराधों के लिए। ये आपको कैसे पता? मैंने इसके बारे में सुना है, यहाँ वहाँ से उड़ती खबरें आती है। मैं बस आशा करता हूँ कि सभी लोग जेंगडिंग के मसीहे की तरह हो जाए और ये जल्द से जल्द हो जाए। कोई जरूरत नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं, बस जल्दी करना। चलो।
आपने उन्हें जेल से भगा दिया। आपने क्राइम किया है, लेकिन आप वापस क्यों आए? हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि डियान यून को उसकी गलतियों का एहसास हो। अच्छाई की जीत होती है? अगर ये सच है तो गलत के बदले अच्छे लोगों को सजा कैसे मिलती है? डियान यून को कोई उसकी गलतियां बताना नहीं चाहता। तुम्हारी सोच अच्छी है पर उसका कोई फायदा नहीं। मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। वो मुझ पर हमला कर सकता है, लेकिन मैं 10 साल के भाईचारे को यूं ही खत्म नहीं कर सकता। क्या? तुम कितने बेवकूफ हो। कैदियों को छुड़ाना अपराध है। बचाने से पहले मैं मरने को तैयार था, और अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं अभी मर जाऊंगा। और अगर न्याय होता है तो गलत लोग बाहर कैसे होते हैं, और वो लोग इतनी गलतियां आखिर कर कैसे लेते हैं? मुझे समझ नहीं आता। क्या तुम कितने जिद्दी हो? मॉम, ये बहुत बेवकूफ है, इसे बचा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया अब भी न्याय पर टिकी है। जहां जिंदगी है वहां उम्मीदें भी हैं। अच्छे से खेले तुम, कैसे हो? उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे घर पे आओगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा इरादा तुम्हें कोई चोट पहुंचाने का नहीं। माहिनी ने गुप्त आदेश दिया है, तुम जहां भी मिलो तुम्हें मार दिया जाए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी को नजर ना आओ। वो अधिकारी तो बहुत बड़ा कमीना है। आपका तो कुंग फू बहुत बढ़िया है, फिर भी आप एक कांस्टेबल बनकर रह गए। ये बात कोई हजम नहीं होती। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर हम एक साथ काम करते हैं तो काउंटी का पैसा हमारा हो जाएगा, और तो और ये भी राजधानी के अधिकारी और माँ हेनियन भी। मुझे बस इतना बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे पास एक तरकीब है। वो बड़े अधिकारी माँ हेनियन से पैसा वापस पाने के लिए कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या कहते हो? अभी सही समय नहीं है और मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। तो आपको तो यह भी याद होगा कि गुरुजी ने कहा था, यहां के दुष्ट उपस्थिति को दबाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। खोलो इसे। युनशिन, जब पेट में भूख हो तो अच्छाई और बुराई की बात बेमानी है,
तुम्हें पता है होंग जोंग ने आखिर कितना ज्यादा पैसा चुरा लिया है सेवानिवृत्ति कोष से? 150 किलोग्राम शुद्ध सोना। मा हियन अब अमीरों में तीसरे नंबर पे है। अब बताओ बुरा क्या है? यही है असली बुराई, समझे तुम? और अब बाकी का सारा सोना मेरे हाथों में है। ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा खाना होगा, और उसके बाद हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे। मैं इस हेड कांस्टेबल की नौकरी का फायदा उठाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। जब सही समय आएगा तब कार्रवाई करूंगा। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी योजना बर्बाद हो गई। अब तुम तो बस अपने बुरे कामों के लिए बहाने ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं। वो अधिकारी तो बेशक बुरे हैं, लेकिन उन निर्दोष गरीब लोगों का क्या? क्या वे दोषी थे? उनकी किस्मत का फैसला लेने वाले अब थे कौन? क्या लगता है ये सत्ता यूं ही मिल जाती है? जिसने भी सत्ता हासिल की है वो निरपराध नहीं रहा है। मैं अभी तुम लोग की कैद में हूं, यहां आते ही मैं मर चुका था। क्या मैं भी आपके उन बलिदानों का हिस्सा हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें बचा सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। बचपन से आप मुझसे बेहतर रहे हो, मुझसे ज्यादा महत्वाकांक्षी भी। हम बस एक बार जीते हैं। मैं बस रात को चैन की नींद सोना चाहता हूं, और अगर वैसा भी दिन आया तो मुझे मत बचाइए, मैं मेरा सर खुद काटने दूंगा। मैं इस शहर में 30 साल तक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, और इस नौकरी के दौरान मैं उच्च ओहदे तक भी पहुँचा, और मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ कि मैं अब इस सरकारी पद से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, और अब तुम्हारे लिए मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी तुमको थोड़ी सी तो इज्जत दिखानी ही होगी जिले के वायसराय महाराज गु को। तो आप मेरे गुरुजी को जानते हो क्या? अरे आपको पहले ही बताना चाहिए था, मैं खुद ही चला आता आपसे मिलने के लिए वहीं पर। सच कहूं तो मैं महाराज वैंग के साथ एक ही सरकारी परीक्षा में पास हुआ था। महाराज गुई और महाराज वैंग एक ही विभाग में लंबे समय तक काम करते रहे हैं। मैं उनसे मिलने गया था ये सोच के कि वो मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। महाराज माँ, कृपया करके मेरी मदद करें, चाहे जो भी हो आप मेरी मदद करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी जो बताया, आपने पहले ज्यादा पैसे नहीं खोए, इसीलिए मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उन डकैतों से हमारी पूछताछ अभी चल रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने पैसे खोए हैं? 150 किलोग्राम सोना है और 500 किलोग्राम चांदी है। क्या? मैंने सुना है कि आप पहले ही ये सब जब्त कर चुके हैं, अगर मुझे मिल जाते तो बेहतर होता। हाँ, मैं जल्द ही इसकी जांच कराऊंगा। हम अभी हूँ दियोन का उपयोग कर सकते हैं, अब उसके खिलाफ जाना ही बेहतर होगा। बस करो, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ समझे, लेकिन मुझे एक खूनी सिपाही बेवकूफ बनाता रहा,
मैं इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। महाराज, हु डैनियन आ गए हैं। उसे अंदर भेजो। महाराज, मुझे बताओ, इतने समय के बाद क्या वो तुम्हें मिले? अभी तो नहीं महाराज। वो तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। मुझे जानकारी मिली है, गो एंशन ने उन्हें बचा लिया। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। सिपाहियों, जी, ये डकैतों से मिला हुआ है, इसे पकड़ लो। रुक जाओ महाराज, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरा फायदा उठाते रहे, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो, फिर मैं पूछताछ करूंगा। उसे छोड़ दो। महाराज, महाराज, हु डैनियन, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? राजकीय अधिकारी की हत्या करोगे तो तुम्हारा पूरा खानदान फंस जाएगा। मेरे खानदान में मेरे अलावा कोई नहीं है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। पीछे हटो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं इनके सामने सच्चाई बोल दूं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पकड़ो महाराज, महाराज। उडियान रोन, तो ये आप हैं? यहां कैसे आना हुआ? बैठिए। गो युनशेन, मैं तुम्हें अपराधों के प्रायश्चित का एक मौका देना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि यह सब कुछ हु डैनियन का ही किया गया काम है। वो डकैतों के साथ में मिला हुआ है। तुम्हारे द्वारा रिहा किए गए सारे कैदी निर्दोष हैं, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हु डैनियन और उसके आदमियों को पकड़वाना होगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तुम पछताओगे। मैंने तुमसे कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ जाकर आराम करो। कौन हो तुम? आप ऐसे घबराइए मत, अगर आपको मारना होता तो आपको कब का मार देती। आखिर कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सच कहूँ तो मैं साई अनवी हूँ। क्या कहा? क्या तुम साई अनवी हो? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी जानी मानी डकैत एक आम औरत है। मैं बेरहम अमीर लोगों से ही पैसे लेती हूँ गरीबों को बचाने के लिए। तो अब मुझे बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए? शेंजियो, मैं हैनियन के मैजिस्ट्रेट और उनके साथी हु डैनियन डकैतों से मिल गए और शरणार्थियों को पकड़कर फंसा दिया गया। कांस्टेबल गु युनशेन ने जेल तोड़कर बेगुनाह शरणार्थियों को छुपके से छुड़ाया था, पर अब वो खुद जेल में है। यही कड़वा सच है, आप कृपया न्याय करें। मैं होंग जोंग चेंग मामले को जानता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि लोगों को झूठा साबित किया जा रहा है। सुनिए, मैं सच कह रही हूँ,
कृपया आप इस मामले में ध्यान दीजिए। शिंजू प्रांत सरकार द्वारा शासित है, जबकि माहेनियन वाइसरॉय के शिष्य हैं। ये सब देखने का काम मेरा नहीं है। मैंने सुना है कि आप सम्राट के गुरु मास्टर थे, इसलिए अगर आप चाहें तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपको लोगों की फिक्र है। माहेनियन और उनके लोगों ने उन 5 लोगों से बुरा बर्ताव किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेंजो के लोगों को परेशानी होगी और ग्यो योनशिन जैसे धर्मी पुरुष शिकायत से शायद मर जाए। मैं सिर्फ आपकी कहानी नहीं सुन सकता। गो योनशिन ने घोर अपराध किया है, उसने अपराधियों को रिहा किया है। अगर आपको मामला घुमाना है तो ठोस सबूत लाने होंगे, समझ गए? जैसे कि अगर आप कोशिश करो तो होंग चोंगचंग के असली अपराधियों को पकड़ लाओ। अगर आप उनकी उंगलियों के निशान लाने में कामयाब होते हैं तो हम गो योनशिन को निर्दोष साबित कर सकते हैं। फिर मैं राजभवन में मामला समझा दूंगा और सभी लोगों को इंसाफ दिला दूंगा, ये मेरा वादा है। शुक्रिया महाराज। मुझे पता था वो कमीने तुम्हारे खिलाफ किसी दिन कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो तुम उसके गुलाम हो जाते हो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम उसके दुश्मन बन जाते हो। लेकिन मेरे दोस्त, परेशान मत होना, अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता और उस शेंजू पर भी हम कब्जा कर लेंगे। मैंने भी सोचा है, हम डकैती करके हमारी जिंदगी निभा नहीं सकते। लंबे बाल दुनिया भर में उत्पात मचा रहे हैं और हालात तेजी से बदल रहे हैं, और हमें सैन्य दल बढ़ाना है तो हमें पैसे जुटाने पड़ेंगे, तब हम विद्रोह करके इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। सोचो यह कितना बेहतरीन होगा। वैसे तुम तो काफी दूरदृष्टा हो। आप यहां पर क्या कर रही हैं? शुक्रिया। तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं इन जंजीरों से अपने हाथ पैरों को खोल नहीं सकता, लेकिन इसका फायदा है तो मेरे मुक्के की दूरी बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से मैं बहुत तेज हो गया हूँ, लेकिन पैरों की वजह से मेरे मुक्के की दूरी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। मैं इसे क्या नाम दूँ? आधा कदम दूरी है, ये तो बढ़िया नाम है। हाँ, मैं इसे यही नाम रखूंगा, आधा कदम दूरी। आपको देखकर अच्छा लगा, कैसे आना हुआ? तुम मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, समझे? तुम्हें इस समय चिंता करनी चाहिए शी कैक्शियन की, समझ आ रही है ना मेरी बात? आपका क्या मतलब है? जिंग डेंग का यमन इसकी गुप्त तौर पे जांच कर रहा है, वांग जोंग चेंग और गो योनशेन केस की।
समझे? ये इतना जरूरी था कि मैंने पत्र लिखना उचित नहीं समझा। मैं यहाँ खुद तुम्हें ये खबर देने आ गया। वैसे तो मैं व्यापार यात्रा पे हूँ। मैं समझ गया, समझ गया। ये आपके लिए, मेरे सम्मान के प्रतीक के रूप में, आप मेरी हर मुसीबत में सहायता करना। तुम यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते, बस अपना अच्छे से ध्यान रखना तुम। फिर मिलेंगे महाराज माँ। हाँ जरूर। महाराज ने कहा है कि सारा पैसा उसने जब्त कर लिया है। लालजी माँ है नियन बदमाश कहीं का, उसने बस बहुत थोड़े से पैसे छोड़े हैं। इस अपराध के लिए मैं उसको और उसकी पूरे परिवार को सजा दे सकता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो महाराज? क्या ये तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी को मत छोड़ना, खत्म कर दो। लोगों को नर्क मिलेगा, नर्क। क्या पूरा परिवार मारा गया? सोने का क्या हुआ? डकैतों ने सब ले लिया। लानत है, इसका मतलब सारा पैसा डकैतों के हाथ फिर लग गया। अगर मुझे ये मालूम होता तो सारे पैसे मैं संभाल कर रखता। सुनो, तुम जाकर सारे सिपाहियों से कह दो कि डकैतों को ढूंढ लें। जी। रुको, मुझे गो इंशन से फिर से मिलना है। जैसा आप कहें। इंशन, तुम अब भी अभ्यास कर रहे हो? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आपके बाहर निकलने का समय पूरा हो गया है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही देर है बस। तब तक तुम हुटियान युआन को वांग जोंग चेंग और उनके लोगों को पकड़वाने में मदद करो, और मैं तुम्हारे बारे में राजभवन में बात करूंगा, समझे? और मेरे हिसाब से आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज, यहाँ की हवा खराब है, चले जाइए, बीमार पड़ जाओगे। चलो। राजा है, सरकार ने तो इसे पहले गिरफ्तार किया। अच्छा क्या इसे फांसी दे दी? यही सही तरीका है। पहले गिरफ्तार किए गए सारे लोग इन लोगों के शिकार थे, वो सब गूंगे हो गए थे। गो इंशेन ने बड़ी बहादुरी से उन्हें आजाद कर दिया, फिर ये किसने किया? शेंजोउ को इतना अच्छा आदमी कैसे मिला? आखिर किसने किया ये? क्या फर्क पड़ता है किसने किया? होंग जोंग चेंग को लॉर्ड शी ने गिरफ्तार किया, और वो आपसे भी ऊंचे पद पर जा सकते हैं, और आप उसे सीधा जवाब दे सकते हैं।
वो इसमें दखल दे रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो यही सही समय होगा कि आप कुछ लोगों को भेजें। तुम नहीं समझोगे, वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। अगर हुआंग जोंगचेंग कबूल कर लेता है तो हम हु डियानयान पर दोष डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हु डियानयान को गिरफ्तार कर लिया जाए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम शी को नहीं खरीद सकते, लेकिन हम किसी का कत्ल तो जरूर कर सकते ना। और वैसे भी कैदी तो हमेशा जेल में मरते ही है ना। तो फिर आप कुछ लोगों को वहां भेजो, और हाँ, वो विश्वासपात्र होने चाहिए। जी जाओ। रुक जाओ, तुम लोग क्या करने वाले हो? हम बचाने जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उस जेल में यूं ही घुस जाओगे? लेकिन वो जितना समय अंदर रहेगा उतना मौत से नजदीक होगा। उन्होंने वहां अपने अधिकारियों को भेजा था, इसका मतलब वो मारना नहीं चाहते हैं। केस की तफ्तीश कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, फिलहाल तो नहीं। अगर उसे बचाने की कोशिश करते हो वो भी बिना जानकारी के, ये निश्चित है कि सब मारे जाओगे। जानकारी लाता हूं। चल चला। सरकार इसको सजा देगी तभी ऐसे लोगों को पता चलेगा। सजा मिलनी चाहिए। क्या होता है सरकार के विरुद्ध जाना, लोग कभी भी कुछ भी करते हैं यार। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां के लोगों को। ये सरकार का काम नहीं है, लगता है इसके पीछे कोई और है। भाड़ में जाए वो, ये जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। पर कैसे? पहली चीज जो हमें सोचने की जरूरत है वो है बचाव योजना। वो कैसे? मुझे लगता है इस आदमी को ढूंढना होगा। पहले इस आदमी को ढूंढो। बचाव योजना पहले, पहले उसे खोजो। बचाव योजना उसे पहले खोजो, उसे खोजो। बचाव योजना पहले करो। मुझे पता है अब क्या करना है। अरे कहाँ गिर गए तुम? उठ जाओ। नहीं हो, मैं नशे में। चलो, मैं पिया नहीं है। बड़ा भाई और तीसरा भाई दोनों पकड़े गए, हमें अपने लिए कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। अपना रास्ता सोचकर बकवास बंद करो। चलो उड़िया न्यान से बात करते हैं, हम पैसे भी बांट सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। उसकी कोई जल्दी नहीं है, जल्द ही तुम अपने भाइयों के साथ होंगे, समझ गए? ये कौन है? जो तुम्हारी जान लेगी। अरे बाबू, भागो। सारा नशा उतर गया। पहले मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा, जाओ। Yeah.
नहीं बता सकती। चलो मेरे साथ, चलो चलो, चलते रहो, चलो जी। छुपने के लिए जगह ढूंढो, सुबह होते ही ग्यूयनशन से मिलना। जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जाओ, जल्दी जाओ। मॉम, मॉम, मॉम। सोचा नहीं था कि साई एंड भाई सही कह रहे होंगे। अब तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पकड़ लो। से मिलना है, मुझे बाहर निकालिए। महाराज, हमने जेंगडिंग के लोगों तक पहुंचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वो लोग कार्रवाई करेंगे सही समय आने पर। उन पर दबाव डालो और उन्हें और पैसे दो। उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने को कहो। महाराज, गो युनशेन आपसे मिलना चाहते हैं, वो खुद की रिहाई चाहते हैं। मुझे तो ये कपड़ों की दुकान वाली मालकिन का मसला लग रहा है। हु दाइन्यों ने उस महिला को मार डाला, लेकिन उन्होंने हम पर एक एहसान किया। तो आपको क्या लगता है महाराज? बाहर निकालो। युनशेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? हो दानियन,
देखो तुमने क्या किया है। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां हो रही थी, मैंने बस उन्हें ही खत्म किया है। युनशुन, जबकि तुम आजाद हो चुके हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? शैनजो के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मेरे साथ हैं। ऐसे माहौल में हमें साथ रहना चाहिए, मान लो मेरी बात। किंग कियान हमारे गुरुजी की बेटी है और तुमने उनकी बीवी को मार डाला। ईश्वर न्याय के कोड़े में कोई भेदभाव नहीं करता। आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं अपने गुरुजी के दुश्मन को मारकर उनका बदला पूरा कर लूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? आधी दूरी वाला वार। आधी दूरी वाला वार? तुम फॉर्म इंटेंशन फीस्ट के बारे में बोलने के लायक नहीं, और हमारे गुरुजी की भी।
जला दो। हाँ। इस दुष्ट को पकड़ो जिसने लोगों पर क्रूर अत्याचार किया है और हर तरह के बुरे काम किए हैं, और उसका सर काट दो। हाँ।